जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। कितने मान का है ये? 28 मान से प्लस है। अच्छा 28 मान का माशाल्लाह। तो क्या रेट निकाला है इसका? 30 लाख रुपए। क्या क्या रेट है इनके यार? इसका जी 8 लाख रुपए मांग रहे हैं, इसका 9 लाख रुपए मांग रहे हैं जी। अच्छा, और ये जो है 6 लाख रुपए। इसका 3.5 लाख है, इसका 1,95,000, उसका भी 3.5 लाख, इसका 1 लाख रुपया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामईन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त सियालकोट में ईद उल अज़हा पर लगने वाली सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूँ, जो कि अकबराबाद में वाक़िया है। इस मंडी में जानवरों का जो है वो मेला लग चुका है, आप देख सकते हैं बैलों का एक रश लगा हुआ है। और आज हम जो है आपको इस पूरी मंडी का विज़िट करवाएँगे और खूबसूरत खूबसूरत जानवर भी दिखाएँगे, और साथ में जो व्यापारी हैं वो इस इन जानवरों के क्या क्या रेट्स मांग रहे हैं ये भी बताएंगे, और जो लोग यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि मंडी का इस टाइम क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, ये जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, कितने मान का है? ये 28 मान से प्लस है। अच्छा 28 मान का माशाल्लाह। तो क्या रेट निकाला है इसका? इसका 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया। तो कितने तक देंगे इसको? फाइनल तकरीबन होगा 18 या 20 का। 18 या 20 का जी। कौन सी नस्ल, कौन सी है ये इसकी? ब्राह्मण है। क्या खुद पाला है या कहीं से लेके आए? खुद पाला। घर में पाला है या फार्म वगैरह में? नहीं, घर में। घर में पाला, ठीक है माशाल्लाह। और बाकियों के हमें रेट्स बता दें। ये वाला कितने का? ये जो हमें वाइट एंड ब्राउन नज़र आ रहा है, इसका 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया। और ये साथ वाला जो है इसका 15। इसका 15, मतलब कि यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा ही है। और गाहक वगैरह का क्या सिस्टम है? कोई आ रहे हैं गाहक वगैरह लेने के लिए? हाँ है, अभी जरा बस मज़े वगैरह ले रहे हैं, अभी कम आ रहे हैं। महंगाई वगैरह का तो ना कोई असर वसर पड़ा है, इसीलिए तो जानवरों का रेट ज़्यादा है। अच्छा जी, पिछली बार से कितना के ज़्यादा है इस बार? काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, डबल हो गया तकरीबन। तकरीबन डबल से डबल ही है। अच्छा यार ये बताओ क्या क्या रेट्स हैं बछड़ों के? इसका 3.5 लाख है, इसका 1,95,000, उसका भी 3.5 लाख, इसका 1 लाख रुपया। मतलब इसका ये सबसे सस्ता आपके पास? इधर आए जी, ये वाला जो बछड़ा है ये क्या, 2 दांत है, 4 दांत है, क्या है इसके? 2 दांत है। इसका वजन कितना होगा? इसका वजन होगा 2.5 मन। 2.5 मन। ये तकरीबन अभी तक जितने भी हमने बछड़े देखे हैं पूरी मंडी में, ये उनमें से सबसे सस्ता बछड़ा है। 2-2.5 मन इसका वजन है और कीमत जो है वो इसकी 1 लाख रुपए। ये बताएं कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं आपके पास? ये जनाब नुकरा गुलाबी। अच्छा। ये भी नुकरा गुलाबी है, वो भी नुकरा गुलाबी है, 3 नुकरे गुलाबी है। दो क्या रेट क्या है? 2 दांत है, मुँह से रेट इनका 10-10 लाख। 10-10 लाख रुपए। और ये वाली नस्ल कौन सी है जी? ये भी साहिवाल है। ये भी साहिवाल है। इसका क्या रेट है? इसका भी 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया। जानवर आप देख सकते हैं पूरी मंडी में बहुत ज़्यादा जानवर है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर है, लेकिन जो रेट्स हैं उनके वो तकरीबन आसमानों को ही छू रही हैं। ये वाला जो है इसका क्या रेट है जी? इसका रेट है मुँह से 2 दांत है, इसका रेट है 8.5 लाख रुपया। 8.5 लाख रुपये जी। सबसे सस्ता वाला आपके पास कौन सा? सबसे सस्ता वाला हमारे पास जो है वो परली साइड का। ये वाला जी, ये वाला जानवर तकरीबन इनके पास सबसे सस्ता वाला, इसका क्या रेट है जी? इसका 2,60,000 रुपया। 2,60,000 रुपया का सबसे सस्ता जानवर? सस्ता। इसका कितना वजन होगा? वजन ठीक ही है इसका माशाल्लाह। अंदाजन कितना होगा? एस्टिमेटेड है कोई 7-8 मन। 7-8 मन जी, ठीक है। और जो सबसे वजनी है आपके पास वो कौन सा? वजन में ये बछड़ा 12। ये बछड़ा चेक करेंगे, ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से बछड़ा। और इसकी कौन सी नस्ल है जी? ये सिबी क्रॉस है जी। ये सिबी क्रॉस है जी। इसका कितना वजन होगा? इसका वजन बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, 20 मन होएगा जिंदा जिंदा। और क्या रेट क्या है इसका? डिमांड क्या रहे हैं आप? डिमांड इसकी कर रहे हैं 9.5 लाख। 9.5 लाख जी। 20 लाख। 26 लाख रुपया। और वो जो ब्राउन खड़ा हुआ उसका? उसका 9.5 लाख। 9.5 लाख। और वो जो पीछे है ब्लैक वाला उसका? उसका 8.5 लाख। 8.5 लाख, मतलब लाखों से नीचे वाली कोई गेम नहीं है। मंडी का ख्याल है कि सबसे खूबसूरत जानवर मौजूद है माशाल्लाह से, ये बहुत प्यारा है और ये बच्चा जो है ना इसे सेल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार कहाँ से लेके आए हो जानवर? मेतले से। मेतले से लेके आए हो? यस। कौन सी नस्ल है यार ये बहुत खूबसूरत है? चोलिस्तानी नुकरा। चोलिस्तानी नुकरा, यस। ठीक है। इसका वजन कितना जी? 23 मन। 23 मन वजन है इसका। और रेट क्या है इसका, क्या डिमांड क्या रहे हो? 16 लाख। 16 लाख रुपया, यार इतना ज्यादा रेट? पीछे से बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा ये बताएं क्या क्या रेट हैं मछलियों के? इसके ये सबसे कीमती जानवर है हमारा। अच्छा, इनमें से इसकी प्राइस है 12 लाख। 12 लाख रुपया। तो क्या 2 दांत है, 4 दांत है? 4 दांत। 4 दांत है। वजन, वजन इसका कितना होगा? वजन
26 मन। और नस्ल कौन सी है इसकी जी? प्योर साहिवाल है। साहिवाल नस्ल है। बछड़े तो बहुत है लेकिन जो है ना रेट बहुत है, खरीदार नहीं है मार्केट में। जो है ना जानवर बहुत है लेकिन खरीदार नहीं है मार्केट में। आते हैं 4 लाख 5 लाख 8 लाख यही सुन के जो है ना खरीदार वापस चले जाते हैं। तो आपकी क्या डिमांड है, क्या कहाँ तक होना चाहिए आपके ख्याल से? हमने तो यही जितनी बंदे की रेंज है हमारी तो यही रेंज है 2.5 लाख के राउंड अबाउट। लेकिन कोई जानवर ही नहीं है 2.5 लाख के, तो ये छोटे छोटे बच्चे ही दे रहे हैं। 2.5 लाख मतलब अच्छा जानवर नहीं मिल रहा? नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा। मार्केट बहुत अप है, अच्छा जानवर लेना हो 4 लाख से नीचे वो बात नहीं कर। यही जानवर हम पहले 180 190 का लेते रहे हैं, लेकिन अब जो है ना कोई नज़र नहीं आ रहा कि कितने का जानवर मिले हमें। और अगर पिछली दफ़ा से काफ़ी हाई रेट है? हाँ, बहुत ज़्यादा हाई रेट है। कितने बार तो 180 का लिया था हमने। अच्छा, लास्ट टाइम। तो अब हमने काफ़ी जानवर है उनके 225 230 240 भी बोला, लेकिन नहीं किसी ने नहीं दे रहे। तू ले के आयो जानवर? अजी खान जजे हो जी। खान जजे हो? हाँ जी। किन्ने के जानवर ले के आयो? ये 12 जी जी। 12 जानवर ले के आयो? हाँ जी। की रेट ने आना दे? रेट ए दा 12.5 लाख है जी। 12.5 लाख? हाँ जी। यार महंगा नहीं दस रहे तुसी? ओए हुन रेट पीछे ही बड़े ने जी। पीछे बहुत रेट है। बहुत रेट। की है दा वजन? की है एदा वजन 20 मन है। 20 मन वजन है। नस्ल के जी? साहिवाल। साहिवाल दी नस्ल? ते ए वाली केड़ी नस्ल जी? ए भी साहिवाल वाला। ए भी साहिवाल? हां जी। एदा की रेट? एदा 8 लाख। 8 लाख? कोई सस्ता नहीं है तुम्हारे कोल? कोई 80,000 वाला, कोई 90,000 वाला? नहीं जी, साडे कोई नहीं 80 90 वाला। ज्यादा जी साडा दी गेम कोई नहीं? कोने खत्म हो गई हो। वो सब तो सस्ता जरा, वो किन्ने दा? वो 3.5 लाख दा जी। 3.5 लाख दा? हां जी। और वो 3.5 लाख तो थले कोई नहीं? कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बंदा तो खुदा ठीक। किथों आए हो जी जानवर लेके? किला कालर ना अपने खान जजा उठो आए हैं। किला कालर वाला तो आए हो जी? तो किन्ने के जानवर लेके आए हो? 12 13 लेके। 12 13? की रेट ने आज की? रेट पीछे बहुत ज्यादा देगा, को पैसे नहीं भरते। अच्छा, हां गाहक पैसे नहीं भर रहे जी? पिछो असि लाख रुपया महंगा जानवर लेके आए हैं। अच्छा, वो पिछले साल वास्ते पिछले साल रेट लांदे आ जानवर 2 लाख का लिया है, 6 महीने हो गए। सही है, 6 महीने नु आपे भी पालिया? पालिया ते औंदे 2 लाख लांदे ने, कोई 2.5 लांदा। ते किन्ने दा औंदे होगे? किन्ने दा भाई? त्यां 3.5 दा। 3.5 दा दियोगे? हां। ते ऐ किन्ने दा दियोगे आ जेड़ा काला खलोता दा? ए 3.5 दा। ए 3.5 दा जी। आगे आ जा जी। ये एक बहुत खूबसूरत जानवर है जी। ये वाला ऐ किन्ने दा बुजुर्गो? 6.5 लाख। ए 6.5 दा जी। उस तो पीछे आ जेड़ा खलोता दा? 7 दा। ए 7 दा। क्या क्या रेट्स हैं इनके यार? इसका जी 8 लाख रुपए मांग रहे हैं, इसका 9 लाख रुपए मांग रहे हैं जी। अच्छा, और ये जो है? इसका 6 लाख। 6 लाख रुपया? इस वजह से क्यों माल मिल नहीं रहा। अच्छा, हमारी ये उधर कराची वाली साइड में। कहाँ से लेके आए सामान? कहाँ से लेके आए? ये घर पाले हुए हैं। घर पाले हुए हैं? किस जगह पाले हैं? नारोवाल। नारोवाल से लेके आए? रेट 5 लाख से शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है, 10 लाख पे जा रहा है, 11 लाख पे जा रहा है। उधर अभी बकरे देखे हैं। ठीक है, बकरों का 1.5 1.5 2 2 लाख रुपये मांग रहे हैं। जो अच्छा बकरा है वो 2 लाख से कम नहीं है। अच्छा, तो दरमियाना बकरा है जिसका रेट 35,000 होना चाहिए, वो 70,000 मांग रहे हैं। तो आपकी क्या डिमांड है, कितने तक बछड़ा होना चाहिए? मैक्सिमम कोई अपना 1.5 2 लाख 3 लाख का बेस्ट है। इतने का होना चाहिए? इतने का? इसका मतलब नहीं मिल रहा? नहीं, जो इतने का है वो 8.5 लाख ना। बकरा उन्होंने ना छोटे छोटे बकरों का भी ना जो है फिक्स कर लिया हुआ रेट, जिस तरह साढ़े जो से छोटे बकरे का भी वो सब का ना 1,20,000 उन्होंने 1,30,000 ही मांगना है। वो भाए छोटा बकरा है तो भाए वो मीडियम बकरा है, वो 1,20,000 सभी हम देख के आए उधर। हम एक का लगा के भी आए हैं रेट, तो वो कोई तकरीबन उसने नहीं माना है। वो छोटा सारा मतलब इतना बड़ा भी नहीं था बकरा, मगर वो इस तरह ही रेट लगा दिया उन्होंने। तो वो हिसाब से है कि बड़ा बुरे हालात है मंडी के, जो से व्यापारी जो से है वो फ़ायदा उठा रहे हैं मंडी लोगों का, जो सा चीज़ों का जो सा यही कि इतने इतने महंगे दे रहे हैं चीज़ें जो इतने देने नहीं चाहिए। महंगाई कहते हैं, आगे से कहते हैं जी महंगाई हो गई है। महंगाई नहीं, बस अकेडमी गए हुए थे, वहाँ से बंक मार के आ गए। अच्छा, अकेडमी से बंक मारा? मतलब कि गए ही नहीं ना। गए ही नहीं, यहाँ घर वालों ने अकेडमी भेजा आपको? हाँ जी। और आप यहाँ पे बछड़े उतारने के लिए आ गए? मेरा बैग है ना वो इसके चाचू की दुकान पर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो बछड़ा वगैरह देखा, पसंद वगैरह आया? नहीं, हम तो वैसे शुगर ही लगाने आए थे, टाइम गुजारना था ना। अब 3 घंटे कैसे गुजारे अकेडमी के? यार ये बताओ, खुद ही बकरा लेने आ गए हो, खुद ही बछड़ा लेने आ गए हो? नहीं नहीं, घर जाके पापा को बताएंगे तो वो लेने आएंगे, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर, हम तो बस पसंद करने आए हैं, देखने आए हैं, जो उनसे अच्छा लगेगा तो फिर जाके पापा को बताएंगे, तो फिर ही होगा। मतलब आगे बाबा आप डिसाइड करने आया, देखने आया, पसंद करने आया, बाबा आके लेंगे? जी जी, पैसे बाबा देंगे? हाँ जी। आप नहीं देंगे? नहीं नहीं यार, आप भी ले रहे हो एक दो?
नहीं नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, बाबा के पास होते हैं। पॉकेट मनी को जमा नहीं की हुई आप? पॉकेट मनी वो तो बाबा दे देते हैं, पर इतनी जमा नहीं करते हैं, जमा करने का टाइम ही नहीं मिलता।